नमस्कार, कृषि जागरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज कृषि मंथन के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे उत्पाद की जो फसलों के अलावा सभी सेगमेंट में बीमा प्रोवाइड कराता है। यानी कि आप अगर शेरी कल्चर का काम करते हैं, या आप अगर रेशम उद्योग चलाते हैं, आप अगर पशुपालन करते हैं, या फिर आप मछली पालन करते हैं, तो आपके लिए बीमा का विकल्प है। और ये विकल्प लेकर आया है AIC, यानी भारतीय कृषि बीमा कंपनी। एक इनका खास उत्पाद है जिसका नाम है सरल कृषि बीमा। सरल कृषि बीमा के बारे में तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के उपप्रबंधक सेक्शन हेड प्रोडक्ट इमर्जिंग मार्केटिंग के मुन्ना कुमार जी। मुन्ना जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण के इस खास प्रोग्राम कृषि मंथन जी। नमस्कार। नमस्कार सर। मुन्ना जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हमारे किसान साथी ये जानना चाहेंगे कि आखिर सरल कृषि बीमा है क्या? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरल कृषि बीमा एक इंडेक्स आधारित AIC का बीमा उत्पाद है जो कृषि एवं कृषि संबंधित जुड़े गतिविधियों के में हुए नुकसान की इसमें भरपाई की जाती है। इसमें मुख्य तौर से एक पैरामेट्रिक मौसम आधारित किसानों को बीमा प्रदान किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से वेदर बेस्ड मौसम आधारित, देन रिमोट सेंसिंग आधारित एवं प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की केस में इसमें किसानों को भरपाई किया जाता है। इसमें हम लोग किसान को एक पहले से प्री डिफाइंड, जिसे कहते हैं पूर्व निर्धारित, एक टर्म शीट देते हैं, जिसमें किसानों को से प्रस्ताव पत्र जो मिलता है, प्रस्ताव पत्र के आधार पर उनका हम एक कस्टमाइज टर्म शीट बनाकर उनको एक हम टर्म शीट देते हैं। और उस इंश्योरेंस पीरियड में अगर किसानों को कोई नुकसान होता है तो कोई भी विचलन टर्म शीट के आधार पर होता है, तो उसमें बीमा की भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। ये तो समझ में आ गया सर कि ये एक बीमा है और ये कृषि के लिए बनाया गया है, लेकिन अगर हम इसको एक तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ये कैसे अलग है? ये AIC का अपना एक इनहाउस प्रोडक्ट है, जबकि प्रधानमंत्री एक यूनिवर्सल फसल बीमा है और उसमें फसलों की बीमा किया जाता है। ये जो प्रोडक्ट हमारा जो सरल कृषि बीमा है, इसमें फसल को छोड़कर सारे चीज को इसमें कवर किया जाता है। कृषि एवं कृषि क्षेत्र से जुड़े जो भी गतिविधियां हैं उसको इसमें कस्टमाइज तौर पर हम बीमा कवर करने की कोशिश करते हैं। यानी किसान साथियों, आप इस बीमा का लाभ ले सकते हैं, लेकिन अपनी फसलों के लिए नहीं, अपने द्वारा किए जा रहे उस उद्योग के लिए आप इसका लाभ ले सकते हैं, जो आपका मछली पालन हो सकता है, आपका पशु पालन हो सकता है, आपका रेशम उद्योग हो सकता है। यानी कि जो आप कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उसके लिए आप बीमा का लाभ ले सकते हैं। तो सर, थोड़ा सा ये भी यहाँ पे प्रकाश डालिए कि कितने और ऐसे सेगमेंट है जहाँ किसान इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इसमें फसल को छोड़कर हमने चाहे वो रेशम पालन हो, मधुमक्खी पालन हो, उसके बाद मछली पालन हो, उसके बाद और भी फॉरेस्ट्री वगैरह जो हो, जो वन्य वगैरह जो लगाते हैं किसान, या और भी मशीनरी वगैरह जो स्ट्रक्चर्स है जी, उसमें प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है, तो एक ब्रॉड हम इसमें क्रॉप छोड़कर, फसल छोड़कर सारी चीज़ को कवर करने की इसमें कोशिश की गई है। और किसान भाइयों को उनके जरूरत के हिसाब से जो उन्होंने अपने प्रस्ताव जो लेकर आते हैं, तो हम एक अच्छे एक प्रोडक्ट उनको उपलब्ध कराने की इसमें कोशिश किया गया है, अच्छी बीमा प्रोडक्ट उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है। कुछ राज्यों में मधुमक्खी पालन को हॉर्टिकल्चर में डाला गया है, उस सेगमेंट में डाला गया है, तो क्या कुछ हॉर्टिकल्चर के भी कुछ सेक्टर्स इसमें शामिल किए गए हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हॉर्टिकल्चर एक्चुअली ये सारे जो सेगमेंट हमने बोल रहा है एग्रीकल्चर को ब्रॉडली जो है, कुछ हॉर्टिकल्चर के पार्ट होते हैं, कुछ फॉरेस्ट्री के पार्ट है, लेकिन इसमें हमारा एक चीज को ध्यान में दिया गया, देखा गया है कि सिर्फ फसल को छोड़कर, क्योंकि फसल के लिए हमारे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं, तो फसल छोड़कर बाकी सारे सेगमेंट जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जो होते हैं, उन सबको इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। चाहे वो डेयरी फार्म हो, चाहे जैसे हमने बनाया मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, मछली पालन, ये सारी चीज को कवर हम कर रहे हैं फिलहाल। किसान साथियों, विषय बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि हर सेक्टर को यहाँ पे शामिल किया गया है। अभी यहाँ शुरुआत करेंगे पशुपालन से, तो सर थोड़ा सा यहाँ पे किसानों को समझाएं कि पशुपालन में हम किस किस तहत बीमा का लाभ ले सकते हैं, कौन कौन जोखिमों के तहत पशुपालन में लाभ लिया जा सकता है सरल कृषि बीमा के तहत। जी जी, जैसा कि मैंने बताया अभी, ये मौसम आधारित
टोटली वेदर बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट बनाया गया है, जिसमें हमें 6 पैरामीटर इसमें हम मौसम से जुड़े हुए लिए हैं, जैसे टेम्परेचर, देन वर्षा, तीसरी आर्द्रता, चौथी जो हमने लिया है इसमें पेस्ट डिजीज कंजेनियल कंडीशन, जिसमें होता है कि जो रोग वगैरह जो लगते हैं किस मौसम में लगते हैं उसको लिया गया है, और धूप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो इसमें धूप को भी शामिल किया गया है कि कितने घंटे धूप निकलते हैं, उसके आधार पर ये हम एक पैरामीटर डिसाइड किया गया है। दूसरी चीज़ कि प्राकृतिक आपदा को भी इसमें 4 प्राकृतिक आपदा को भी हम लोग कवर कर रहे हैं इसमें, जिसमें हो गया भूकंप हो गए, उसके बाद बाढ़, सुखाड़ और साइक्लोन। साइक्लोन देखा जाए तो आजकल साइक्लोन भी बहुत फ्रिक्वेंटली आ रही है, तो साइक्लोन को भी ये पैरामेट्रिक तौर पर इसमें कवर करने का प्रावधान एक्चुअली किया गया है। सर, मैं इसके बारे में थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी कि पशुओं का एक अचानक से दूध कम हो जाता है, मौसम की एक मौसम का एक ऐसा साइकिल चलता है जिसकी वजह से, एक साल में ऐसा समय आता ही जी, जी, जी. कि किसान के पशु का दूध अचानक से सूखने लगता है, तो क्या उस सिचुएशन में भी ये कवर किया जा सकता है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे पहले किसान को ये देखना है, किसी भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो, किसी भी चीज का इंश्योरेंस कराना हो, किसान को सबसे पहले उनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखना है कि सही में किसी पर्टिकुलर चीज से उनको नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है तो उसी को हम एक मैपिंग टर्म शीट के द्वारा करते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा हमसे कि दूध अभी टेम्परेचर से कुछ चेंजेज वगैरह होते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि गर्मी के मौसम में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो पशुओं के दूध में काफ़ी कमियाँ आ जाती है। तो इसमें भी हम बीमा प्रदान करने का प्रावधान ऑलरेडी किया गया है, और हमने अभी केरल में दिया भी है, ऐसे एक कोऑपरेटिव को हमने मिलमा नाम की एक कोऑपरेटिव है उनको हमने दिया भी है, और किसान इसका काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ उठाए हैं। AIC का एक उत्पाद है संपूर्ण पशुधन कवच, तो उससे सरल कृषि बीमा अलग कैसे है, क्योंकि संपूर्ण पशुधन से पशुओं से रिलेटेड है जी, लेकिन सरल कृषि बीमा हर सेक्टर में चलता है इसका। संपूर्ण पशुधन कवच नाम पशुधन नाम से ही पता चल रहा है, वो सिर्फ हमें लाइफ स्टॉक सिर्फ पशु का ही लिए ही वो बीमा है, और वो है सो वो नुकसान के आधार पर, जैसे उसमें हम आकलन जो करते हैं एक एक करके करते हैं, कहीं पर नुकसान हो गया तो जाके सर्वे करते हैं, और इसमें सर्वे करके हम उसको बीमा का भुगतान करते हैं, लाभ देते हैं। जबकि ये जो प्रोडक्ट हमारा है इंडेक्स बेस्ड है, पैरामेट्रिक है, इसमें क्लेम जो है सो टोटली ऑटोमेटिक है, इसमें कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, इसमें कोई इंटीमेशन की जरूरत नहीं है, इसमें पहले से जो भी हम टर्म शीट देते हैं कि आपको इतने डिग्री टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर एक बार ब्रीच कर गया तो हम आपको इतने रुपए का पेमेंट कर देंगे। तो सर, अभी सबसे अच्छा अभी हम आ जाते हैं सेरी कल्चर पर, क्योंकि बहुत से भारत के बहुत से किसान ऐसे हैं जो सेरी कल्चर में भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो क्या सेरी कल्चर के लिए कौन कौन से जोखिमों को शामिल किया गया है और कितना प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है जी, जी। इसके लिए सेरी कल्चर में हमने कई स्टेट्स में हमने अभी दिया है, कई राज्यों में ये प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी दे रखा है। इसमें किसानों को सबसे पहले ये सोचना है कि सेरी कल्चर जो रेशम कीट पालन उन्होंने कर रहे हैं तो उसमें किसकी चीज़ से नुकसान होने की गुंजाइश बनती है, जैसे उनको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी नुकसान होती है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ जाती है जैसे अभी जाड़े के मौसम में तो उसमें भी उनके नुकसान होती है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसमें उनको नुकसान हो जाते हैं, कभी आंधी तूफान आ जाती है उसमें भी उनको नुकसान हो जाता है, तो उनको देखना है कि किस चीज़ में ज़्यादा नुकसान हो, उसके बेसिस पर उनका प्रस्ताव आता है और हम उनको एक कस्टमाइज टर्म शीट के आधार पर उनको पहले से बता देते हैं कि इतने टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये नुकसान हो रही है तो हम आपको इतने रुपया पे आउट कर देंगे, या हवा इतने से ज़्यादा अगर आंधी आ गई इतने स्पीड से तो हम आपको ये एक लमसम हम कुछ पेमेंट करेंगे। तो इसमें बिना कोई सर्वे, बिना कोई क्लेम इंटीमेशन, बहुत ही आसान तरीके से हम किसानों को इसमें लाभ दे रहे हैं जी। सर, आप प्रीमियम दर के बारे में भी, प्रीमियम इसमें बहुत ही कम है। प्रीमियम एक्चुअली डिपेंड करता है कि उनका जो यूनिट जो है सेरीकल्चर का कितनी बड़ी यूनिट है, क्योंकि जब बीमा जो किया जाता है उसमें तो उसमें कोई छोटा सा सेगमेंट को नहीं करते हैं, जो भी यूनिट है उनका कंप्लीट यूनिट को उनको बीमा करनी है, तो इसमें प्रीमियम बीमित राशि जो रखा जाता है बीमित राशि को 2-3% प्रीमियम लेते हैं, बहुत ही छोटा प्रीमियम देखा जाए तो है, रिस्क के आधार पर देखा जाए तो प्रीमियम बहुत ही कम। मात्रा समझना चाहे, 1% अगर किसान समझना चाहे तो कोई आप पैरामीटर समझाए कि कितना एक यूनिट पे उसको कितना प्रीमियम दर देना पड़े। प्रीमियम अगर उनको मान के चलिए कि 50,000 रुपए
का एक कोई यूनिट है उनका, तो 50,000 रुपए का है तो 2% के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही प्रीमियम कम है, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है उनको देना पड़ रहा है। तो रिस्क के आधार पर उनको देखा जाए तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सेरिकल्चर में बहुत सारे डिजीज जो हैं जो काफ़ी वाइटल होते हैं, एक बार डिजीज अगर उनके आ जाते हैं सेरिकल्चर यूनिट में तो पूरे यूनिट ही साफ हो जाता है। ऐसे केस में भी हम प्रावधान किए हुए हैं कि उनके जो डिजीज 2-3 मेजर जो हैं, फ्लैचरी डिजीज कहा जाता है सेरिकल्चर में, बहुत घातक होते हैं, मस्कार्डिन डिजीज होता है, ये सारे डिजीज को भी इसमें कवर करने का प्रावधान किया गया है। किसान साथियों, इसमें न केवल आपके यूनिट को कवर किया जा रहा है, उस यूनिट के अंदर अगर आपके रेशम कीड़े में या कोई डिजीज आती है तो उसको भी कवर किया जा रहा है, और प्रीमियम बहुत ही नॉमिनल है। यानी कि अगर आप अपने 1 या 2 हज़ार रुपये जमा करा के अपने उद्योग को सुरक्षित रख सकते हैं तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, फिशरीज एक्वाकल्चर में आप कैसे कैसे लाभ दे रहे हैं और कौन कौन से जोखिमों को कवर किया जा रहा है और प्रीमियम दर कितना होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक्वाकल्चर में भी जैसे कि हमने बाकी दूसरे सेगमेंट में बताया, एक्वाकल्चर में अभी जो देखा गया है कि अगर जाड़े के मौसम में टेम्परेचर काफ़ी गिर जाते हैं तो मछली का ग्रोथ बिल्कुल रुक जाता है, उसमें काफ़ी उनके मॉर्टिलिटी भी हो जाती है। ऐसे केस में हम किसान से ही हम प्रस्ताव लेते हैं। सबसे इसमें खास एक अच्छे इस प्रोडक्ट की खासियत है कि प्रस्ताव किसान से हम लेते हैं कि आपको नुकसान किस स्थिति में होता है और उस नुकसान के आधार पर हम उनको बताते हैं कि हाँ ये टेम्परेचर इतना, आपका ह्यूमिडिटी होनी चाहिए या फिर और कितना, उनको बाकी दूसरे जो पैरामीटर्स है, अगर विंड स्पीड जो देखा जाए, तूफान जब आती है, साइक्लोन वगैरह, तो उनसे ही सारे ये सब चीज़ हम लेते हैं इनपुट्स, उसके आधार पर हम उनको बता देते हैं कि आपको ये पार्ट को कवर करनी है तो हम इसमें प्रीमियम जो है सो हम उसमें भी प्रीमियम देखा जाए तो 2-3% प्रीमियम, किसी में ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, 4 के नीचे ही सारे हम ये कर रहे हैं, 2-3% प्रीमियम लेते हैं इसमें। जी सर, किन किन राज्यों में सरल कृषि बीमा चलाई जा रही है, आपका जो ये उत्पाद है किन किन राज्यों में अवेलेबल है जहाँ से किसान सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने अभी हमने सरल कृषि बीमा जो उत्पाद है हमने अभी गुवाहाटी में दे रखा है, नॉर्थ ईस्ट केरला में हमने दे रखा है ये, उसके बाद हमने कर्नाटका में रेशा मंडी में दे रखा है, उसके बाद हमने अभी ये गुजरात में हमने दे रखा है। तो देखा जाए तो हम भारत के हर हिस्से में ये प्रोडक्ट हम ऑलरेडी दे दिए हैं और बहुत ही एक छोटे समय में हमने 6-7 महीने में, बहुत ही नया प्रोडक्ट अभी हमने इसको लॉन्च किया था, 6-7 महीने के हमने अंतराल में ही हमने एक करीब हमने 6-7 स्टेट में हम ये दे चुके हैं और उसका फीडबैक भी ले रहे हैं कि कैसे किसान इसको वो इसको महसूस कर रहे हैं, उनके लिए कारगर साबित हो रही है नहीं हो रही है, उसके आधार पर बाकी स्टेट्स में भी हम इसको विस्तार करने का हमारा ये योजना है। अभी तक सर कितने किसान ऐसे हैं जो इस योजना से जुड़ चुके हैं, जो इस उत्पाद से जुड़ चुके हैं? देखा जाए तो केरला में जो हमने एक हिट इंडेक्स कैटल इंश्योरेंस जो इसमें दिया था, जिसमें दूध समर में काफ़ी डाउन कम हो जाता था, उस केस में हमने वहाँ पे करीब हमने 12,000 किसानों को कवर किया है और काफ़ी अच्छे हमने क्लेम भी दिया है, प्रीमियम करी हमने 3 लाख रुपीज़ के आसपास में प्रीमियम था और क्लेम्स हमने अराउंड 28 लाख समथिंग दिया है, तो प्रीमियम क्लेम और प्रीमियम रेशियो काफ़ी हमने अच्छा उनको क्लेम दिया है। दूसरी हमने रेशा मंडी, एक कर्नाटका में एक रेशा मंडी एक फर्म है, उनके तहत हमने काफ़ी लोगों को हमने इसमें पहुंचाया है, हमने एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता है बट हमने मोर देन 50,000 हमने लोग को इसमें हमने शामिल करके हमने उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। जी सर, ये सरल कृषि बीमा अगर अभी तक मैं अगर 1% दर समझूं तो पूरे ऑल ओवर मतलब अगर पूरे भारत में हम किसानों को लाभ दे सकते हैं तो अभी कितना आंकड़ा इसे तय किया होगा, कितना सफर इसका अभी आगे बढ़ा है? 6-8 महीने में आपने बताया कि 4-5 राज्य में चल रहा है, बट लेकिन इसकी जरूरत तो हर राज्य में है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो वहां पर भी ट्रॉट फिश पालन होता है, बड़े स्तर पर होता है, वहां पर क्या ये काम कर रहा है? इसके अलावा अगर मैं केरला की बात करती हूँ, वहां पर एक्वाकल्चर बड़े स्तर पर किया जाता है और तमिलनाडु में मसाला जो क्रॉप है उनका बहुत ज्यादा स्कोप है, तो क्या ऐसे राज्यों में भी आप लोग पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा ये सब जगह पे हमारे एक तो रीजनल ऑफिस है क्षेत्रीय कार्यालय, उसके नीचे हमारे बहुत सारे एजेंट्स, अभी हमने पिछले 6 महीने में काफ़ी एजेंट को हमने लगाया है क्योंकि हमारा इमर्जिंग लाइन जो ये जो डिपार्टमेंट जो बहुत ही नया बना है तो इसमें हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हिमाचल में भी हमने सेरिकल्चर
जो है सो एक कुछ किसानों को हमने कवर इसके अंदर में किया है। दूसरी चीज, इस प्रोडक्ट को जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक बहुत ही एक बृहद स्केल पे इसके बीमा करने का इसका स्कोप है, तो इसमें डिपेंड ये करता है कि किसान को रिक्वायरमेंट क्या है, उनके रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट को समझकर एक कस्टमाइज रूप से हम इनको कवर प्रदान करने की कोशिश इसके अंदर में करते हैं। सर, यही ऐसे ही उद्योगों में एक अब नया उद्योग आया है मशरूम, मशरूम उगाने जी, तो क्या उसके लिए भी ये बीमा लिया? बिल्कुल बिल्कुल, मशरूम हो या फिर भर्मी कल्चर जो केचुआ खाद वगैरह किसान आजकल बनाते हैं, मतलब खाद के लिए जी, भी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उसमें भी हम इसमें उसको शामिल किए हुए हैं, किसान चाहे तो उसका भी बीमा करवा सकते हैं। बहुत से किसान हैं जो वर्मी कम्पोस्ट खाद पर काम करते हैं, बहुत से किसान ऐसे हैं जो मशरूम उगाते हैं और बड़े स्तर पर उगाते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए भी सरल कृषि बीमा उपलब्ध है। AIC का ये बहुत ही जबरदस्त उत्पाद है जो आपके लिए खास डिजाइन किया गया है, उन किसानों के लिए जो फसलों के अलावा दूसरे उद्योग में भी अपना मेहनत करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त जानकारी हमारे साथ साझा की है मुन्ना कुमार जी ने, जिन्होंने बताया कि सरल कृषि बीमा क्या है और कैसे आप इस सरल कृषि बीमा का लाभ ले सकते हैं। भविष्य में आपके राज्य तक भी ये बहुत जल्द पहुंचने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे मेरा यही रहेगा सर कि कैसे किसानों तक आप अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी भी मैं जहां तक हम लोग भी फील्ड में रहते हैं तो बहुत से किसान अभी भी इस उत्पाद से अनजान है, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है जो AIC अपनाने जा रही है? इसके लिए अभी हम जगह जगह पे कैंपेन वगैरह करने का हमारा प्लान है, और हमने POSP के एजेंट्स का एक चैनल है, POSP हम काफ़ी तेज़ी से इसमें हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और हर कोशिश हमारी ये है कि हर पंचायत में एक हमारा POSP हो और किसानों को इसकी जानकारी दे और उनका जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हमारे तक पहुंचाएं और हम उनको एक अच्छे प्रोडक्ट हम उनको दे सकें। हमारा यही उद्देश्य है कि हर 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 पंचायत में एक POSP हो और सारी चीज़ उनको तक पहुँचाइए। हमारे किसान आपसे इस उत्पाद के लिए कैसे जुड़ सकते हैं? कोई टोल फ्री नंबर या कोई वेबसाइट का आप अगर जानकारी देना चाहें तो प्लीज़ जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी टोल फ्री नंबर है 1800-116-515, उस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है वेबसाइट पे www.aicofindia.com, उस पर जाकर वो देख सकते हैं प्रोडक्ट के सारे फीचर्स, सारे ब्रोचर्स वगैरह डिटेल्स उनको मिल जाएंगे, कितना प्रीमियम वगैरह देना है सारे डिटेल वहां से वो ले सकते हैं, या फिर नज़दीकी हमारे जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां भी वो जाकर इस सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। क्या अभी तक कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने ऐसी फसल बीमा के लिए या ऐसे बीमा के लिए सब्सिडी देने के लिए कहीं एक पहल शुरू की है? जी 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 जी, बिल्कुल सही आपने कहा यह चीज़। एक तो इसमें देखा जाए तो प्रीमियम ऑलरेडी पहले से हम इसमें काफ़ी कम हमने रखा है, और अभी हाल में ही आसाम सरकार ने उन्होंने सेरीकल्चर के लिए किसानों के लिए सब्सिडी देने के लिए आगे बढ़कर उन्होंने ये प्रस्ताव किया है। दूसरी कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट नहीं सब्सिडी दे रही है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो उनके बिहाफ में वो सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसानों के लिए काफ़ी एक अच्छा संकेत दिख रहा है। तो किसान साथियों, ये था हमारा कृषि जागरण का जो खास प्रोग्राम है कृषि मंथन, जिसमें आज आपको जानकारी दी गई है सरल कृषि बीमा को लेकर। उम्मीद है कि आप इस उत्पाद को जरूर खरीदेंगे और अपने उस उद्योग को सुरक्षित रखेंगे जिससे आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। तो कृषि मंथन में आज इतना ही, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे बंगाल सस्य बीमा योजना को लेकर। क्या है बंगला सस्य बीमा योजना और कैसे यहाँ के किसानों को बीमा का लाभ दिया जा रहा है? तब तक के लिए नमस्कार।